या तो इस्लाम धर्म कबूल करो, या तो अपनी बहन बेटियों को छोड़ के जाओ, या तो कश्मीर छोड़ के भागो। ये आपका काम है, हमारा नहीं है। रहेगा, हम पूरा ले लेंगे, कश्मीर तो हमारा है। शाबाश, ऐसे चिल्लाने से हिंदू राज बनने से नहीं होगा। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, आप आप लोग कैसे हैं? एक सेकंड निकालिए, कमेंट में जल्दी से बताइएगा। आज आपके लाए हैं एक धमाकेदार विस्फोटक वीडियो। जी हाँ दोस्तों, बता दे, इस वीडियो का नाम है बदबू पांडे की दुकान बंद कर दी, खुशबू पांडे एक्सपोज। एंड आई थिंक आजकल बदबू पांडे का नाम बदबू खुशबू पांडे था एक्चुअली में, बट आई थिंक वो ज्यादा फेमस हुई है बदबू पांडे नाम से। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? क्योंकि वो जब भी बोलती है लोगों को कहना है कि जब बोलती है वो बदबू फैलाती है। Actually, आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर से लिखें कि क्या वो बदबू फैलाती है खुशबू नाम रखने के बाद भी? Yes, वो actually में आके मतलब कुछ भी नापशनाप बोलती है। बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखने को मिलते हैं जिसमें दूसरे लोग आके ऐसे ऐसे अनभक को चुप करवाते हैं। मेरी तो किस्मत खराब है। तो मुझे लग रहा है ये वीडियो ही देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। और बता दीजिए, इट्स योर कैफ यूट्यूब चैनल का है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। कुछ भी, हम पूरा ले लेंगे, कश्मीर तो हमारा है। शाबाश, रिपोर्टर एकदम कंफ्यूज। हिंदू राष्ट्र बनने से नहीं होगा। आप हिंदू राष्ट्र के समर्थन में हैं? क्यों, क्या कारण है? सब लोग सब रहेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों, फिर से आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर इस खुशबू पांडे पर। और इस खुशबू पांडे का कहना है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और अखंड भारत बनाएंगे। तभी हमारे इन मुल्ला जी ने और इन भाई साहब ने पूरा एक्सपोज कर दिया है। आखिर क्या एक्सपोज किया है, जानने के लिए वीडियो बने रहना है। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। सोचेंगे अखंड भारत जी, अखंड भारत में आप कल को पाकिस्तान भी लेंगे। हम समझ रहे हैं आपका टॉपिक क्या होगा, फिर तो मुसलमान भी आएंगे। हाँ। फिर तो आपकी आबादी बढ़ेगी, हिंदू राष्ट्र वैसे भी नहीं होगा। प्यारी समझ गई। पहले क्या हिंदू राष्ट्र था? हाँ, पहले क्या था, जब मुगल था, अंग्रेजों का जमा था, तब हिंदू मुस्लिम नहीं रहते थे यहाँ पे। फिर तो अब क्या दिक्कत है? इनके चाहने से अगर हो जाए तो ठीक है। लोग बहुत लोग चाह रहे हैं, इनके चाहने से हो जाए तो ठीक है, इनके चाहने से हो जाएगा। आप चाहते हैं, अब इनके चाहने से हो जाएगा? नहीं, आप जय सियाराम बोलेंगे, इनका पूछना नहीं। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। क्यों भाई, हम लोग नहीं बोला था, नहीं बोलेंगे। कोई धर्म के उससे नहीं, हमारे में बोला नहीं जाता। सही बात है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। बोलेंगे कि सेक्युलरिज्म केवल और केवल हिंदुओं ने निभाया और आज हम चल गए हैं कि कोई अशफाकुल्ला खान और कितने सारे जो शहीद हुए हैं देश की आजादी में, जाके पढ़ ले भाई तू खुशबू पांडे। पहले संविधान चेंज करो ना। कोई किसी को फोर्स थोड़ी ना कर रहे हैं। खुशबू पांडे कैसे कर सकते हैं? क्यों, क्या कारण है? सब लोग सब रहेंगे यहाँ पे। क्यों, क्या कारण है? सब लोग सब रहेंगे यहाँ पे। या तो इस्लाम धर्म कबूल करो, या तो अपनी बहन बेटियों को छोड़ के जाओ, या तो कश्मीर छोड़ के भागो। ये आपका काम है, हमारा नहीं है। रहेगा, हम पूरा ले लेंगे, कश्मीर तो हमारा है। आधा जो उसके पास है ना पाकिस्तान, वो भी ले लेंगे। सबर करो, ऐसे चिल्लाने से हिंदू राज बनने से नहीं होगा। ये करो, खुशबू पांडे की शक्ल देखो, हिंदू राज बनने से नहीं होगा। बेइज्जती। अगर हिंदुत्व की बात करते हैं, बीजेपी का अगर साथ करते हैं, तो मेघालय में बीजेपी कह रही है कि बीफ खाना वहाँ पे जायज है, वहाँ का प्रेसिडेंट कह रहा है। बिल्कुल नहीं, हम अगेंस्ट हैं बीजेपी के भी, हम बीजेपी के अगेंस्ट हैं, बिल्कुल अगेंस्ट हैं। बीजेपी का पार्टी बदल लिया, खाना अलाउड है, हम एग्री नहीं करेंगे। सामने से कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं है। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तो कैसा लगा तुम्हें? मुझे लास्ट में जो सलाम किया ना आरजे ने, वही करने का मन किया। पर मुझे ये नहीं समझ आता, खुशबू पांडे हर जगह जा पांडे वो हर जगह जा के मतलब अपनी बेइज्जती कराने के लिए जाती है क्या? रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज आते हैं। सब साथ मुझे वो समझ नहीं आता कि आखिर रिपोर्टर इनको इतना भाव क्यों देते हैं। माना कि ठीक है, उनके वीडियोस में थोड़े व्यूज आ जाते हैं बिकॉज उस तरह से बात करती हैं, जिसमें जो होता ना कि अनभक्ति वाला बात, बिकॉज वही है जो मतलब बेस्ट अनभक्ति की मेम्स उसी पे बन सकते हैं। सीरियसली, वो मतलब इतने सारे जन इतना पॉजिटिव बात कर रही है, सिर्फ जहर उगल रही है वहां पर। क्या करूं मैं, मर जाऊं? तो समझ नहीं आता, वही लगता है इसीलिए शायद इनका नाम बहुत लोगों ने खुशबू की जगह बदबू पांडे रख दिया है। एंड आपने देखा है आजकल बदबू पांडे, पहले तो मतलब क्या, वो याद है जवान भवान के टाइम पे कितना वो चिल्ला रही थी, पठान के टाइम पे
कितना ज्यादा इसका फेमस हुआ था कि पठान को बॉयकॉट करो, ये करो, वो करो. बट आई थिंक अभी जो ज्यादा इसका वीडियोस निकल रहे हैं वो ज्यादा मीम्स वाले ही निकल रहे हैं कि कोई उसको चुप करवा दे रहा है. तो पठान का अंकल... मुझे एक याद है कि जब पठान का जब आया था तो बॉयकॉट टू बॉयकॉट, जो पठान ने ब्लॉकबस्टर हिट दिया था इसका शक्ल वैसा मीम्स. उसी से मीम स्टार्ट हुआ उसका. दोस्तों आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगता है बग्गू पांडे के ऐसे जहर उगलने वाले वीडियोस. हमें तो बहुत कॉमेडी लगता है. हम देखते हैं इसलिए मजा आता है देखने में कि सोच समझ में आता है कि कहाँ सोचे भाई, व्हाट्सएप के लोगों का सोच किधर है, कुछ तो उसके आगे बढ़ दो. पता नहीं इसी से उसका आमदनी चलता है तो चलने देते. Yes, दोस्तों आप लोग बताइएगा आप लोग को अच्छा लग रहा है मैं वीडियोस, तो हर जगह शेयर जरूर कीजिएगा. हमारे रिएक्शन कुड़ी यूट्यूब चैनल को जरूर से सपोर्ट कीजिए. हाँ, सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ये वीडियो, और वो बेल आइकन जरूर से दबाएं ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करके. यस, आप लोग बताते हो कि नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे तो इसीलिए थोड़ा ध्यान दीजिए कि नोटिफिकेशन आपको मिले. मेरे सपोर्ट दिखाए हमें, हम आपके लिए ऐसे बेहतरीन वीडियो लेकर आते हैं और भी ऐसे बेहतरीन वीडियोस लेकर आएंगे. फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप लोग फॉलो जरूर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी हम लोग कुछ कॉमेडी और मजाकिया चमार दिखाते हैं हमेशा. एनीवेज मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखें, फिर से टाटा अल्लाह हाफिज.